कमजोर है, जो लाचार है, जो गरीब है, उसकी आवाज बनेगी, उसकी आवाज को पहुंचाएं। ये सदका जारी है, सदका क़यामत तक चलता रहेगा। बड़ा शुक्रिया गुरबानी, आप बड़ा प्यार भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं, ऑन भी करते हैं। ये जो जरगा है यहाँ पे, ये जो जरगा मेरे सामने बैठा है, मेरे यहाँ पे तकरीबन मुझे 10 साल हो गए और जरगे के मेरे नजदीक बहुत ज्यादा है। इसका जो आपस का गैप है ये खत्म हो, इसके ऊपर हम काम करते हैं। फिर उसके बाद नेट की टीम बनी है, आईजी साहब ने बनवाई है, वो मंशियात के ऊपर काम करिए। ये इतनी दुनिया, आप क्यों नहीं किसी की जमीन पे कोई कब्जा कर रहा है या किसी की जमीन पे किसी ने हाथ रखा हुआ है, आप क्यों नहीं उसको पकड़ के मेरे दफ्तर लेके आते हैं कि भाई यहाँ पे हमें पुलिस की जरूरत है। आप में से कितने लोग आज तक आए मुझे बताए। गलत, मैं बार बार चीख चीख के कहता हूं कि इधर हर दूसरी दावेदारी गलत होती है, दावेदारियां गलत करते हैं लोग फंसाने के। मैं कहता हूं कि उस बंदे को भागने की, अगर वो भाग गया तो उसने अपने आप को कसूरवार कर लिया, उसने अपने आप को मुजरिम कर लिया, इश्तिहारी कर लिया। किसी ने नहीं किया और ये बहुत बड़ा जुल्म है कि वो डर के भाग जाए, कराची चला जाए, सिंध चला जाए, हैदराबाद, बहुत सारे केसेस हैं। मैं ये बार बार मैं ये बात बता चुका हूं आपको जमीन के कब्जों से मुतालिक, जमीन उसकी है। मेरे दफ्तर में जब कोई बंदा आता है कि भाई मेरी जमीन है, उस पर फलां बंदे ने हाथ रखा हुआ है या ये फलां बंदा मुझे नजायज, तो मैं उसमें सिंपल उसमें लिखता हूँ कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनका ये काम है कि मुझे रिपोर्ट दे दें ये जगह इस बंदे की है कि नहीं, वो मुझे बता देता है ये बंदा इस जगह की है, तो डीसी जो जिसका लिख के देगा ये जगह, उसकी पुलिस उसके साथ खड़ी है और किसी की वो जगह नहीं है। ये जो खाली प्लाट है ना, खाली प्लाट ही उसी का जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम है, पुलिस उसके साथ खड़ी होगी। और कोई अगर एक भी केस है, अभी भी मैं यहां पर खड़ा हूं, अभी भी मैं यहां पर खड़ा हूं, मुझे अभी भी यहां पर बता दे, हमारी पूरी टीम यहां पर खड़ी है, पूरी टीम यहां पे बैठी है, आप बता दे, इसके बाद मैं थाने जा रहा हूं, उसके बाद मुझे एक भी केस बता दे कि लैंड ग्रैबिंग का कोई मसला है या इस किस्म का कोई इशू है। हम भरपूर कोशिश करते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं, मैं क्योंकि हम इसलिए भी, मैं तो इसलिए भी कोशिश करता हूं, एक तो किसी का हक है, इसलिए भी कोशिश करता हूं कि इनकी फिर दुआओं से अल्लाह हमें कामयाब कर। बट ये जो टोपक मारी है बिल्कुल इसके लिए जीरो टॉलरेंस है। मैंने तमाम एसएचओ को, ये माशाल्लाह वली बड़ा तगड़ा एसएचओ और बड़ा तगड़ा काम भी करता है और हाथ भी चढ़ा डालता है, बिल्कुल नहीं डरता ये वली, तो इसको मैंने बोला मैं बिल्कुल ये टॉपिक मारी थी और ये जो असला फहराने की और ये इन चीजों की बिल्कुल मेरे नजदीक तो जीरो टॉलरेंस है, ना मैं किसी को अलाउ करता हूँ ना मैं करने देता हूँ। और आप लोग देखते भी होंगे, मतलब कि मैं इसका एक सोशल मीडिया पे भी इन लोगों को सामने लाने, पुलिस साहब का बाजू है, आप लोग आके हम तो सफाई करने वाले हैं, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, ये आप लोगों का इलाका है, ये आपका घर है, आपने हमसे साफ करवाना है।